नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री बिजनेस। आपके साथ मैं हूं रिया राय। मेरे साथ देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर दी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई। कहा, प्राचीन योग विज्ञान मानवता को भारत का अमूल्य उपहार। भारत चीन सीमा पर ITBP के जवानों ने 18,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर किया योग। वहीं उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास वसुधारा ग्लेशियर पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर जवानों ने किया योग। देश के अलग अलग शहरों से आई सूर्य ग्रहण की तस्वीरें। सूर्य ग्रहण पर दिल्ली मुंबई समेत देश के कई इलाकों में दिखा अद्भुत नजारा। 25 साल बाद फायर रिंग सर्कल की तरह दिखा सूर्य। भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ हुई बैठक। बैठक में लद्दाख में जमीनी हालात की पूरी समीक्षा और LSE के साथ तैयारियों का लिया जायजा। गलवान घाटी विवाद पर पीएम मोदी के समर्थन में आए 3 राज्यों के मुख्यमंत्री। कहा, देश की सुरक्षा के नाम पर हम सब एक साथ हैं। भारत चीन विवाद पर ट्रंप का बयान, दोनों देशों से बातचीत करने का किया दावा, इससे पहले भी दिया था बड़ा बयान। चीन विवाद पर राहुल गांधी ने फिर साधा पीएम मोदी पर निशाना। ट्वीट कर कहा, नरेंद्र मोदी असल में है सरेंडर मोदी। राहुल गांधी के बयान पर BJP का पलटवार, सारी मर्यादा तोड़ने का लगाया आरोप। BJP बोली, अपनी टिप्पणी के लिए देश से माफी मांगे राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किया दावा। कहा, भारत ने चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों को मारा। 15 जून को दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुए हिंसक झड़प में शहीद हुए थे 20 भारतीय सैनिक। सरकार ने हेल्थ वर्कर्स को दिया तोहफा, 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस सितंबर तक बढ़ा। न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने हेल्थ इंश्योरेंस देने का किया ऐलान। भारतीय मूल के डॉक्टर ने भारत में कोरोना संक्रमण पर जताई चिंता। कहा, बढ़ेगी मरीजों और मृतकों की संख्या। हार्वर्ड ग्लोबल हेल्थ इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं डॉक्टर आशीष झा। महाराष्ट्र दिल्ली समेत 4 राज्यों में कोरोना का विस्फोट। राज्यों में देश की लगभग 66% आबादी कोरोना संक्रमित। कश्मीर में आतंकियों पर सुरक्षा बलों का डबल अटैक। श्रीनगर शोपिया में 4 आतंकी ढेर। श्रीनगर के जादीबल में छिपे थे 3 आतंकवादी। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ठाकुर गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 24 लाख से ज्यादा के गहने बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सफदरजंग एनक्लेव में बुजुर्ग महिला की चाकू मारकर हुई हत्या। बुजुर्ग की हत्या कर लूटपाट का मामला। गार्ड ने साथियों के साथ मिलकर दिया था वारदात को अंजाम। भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर ध्रुव ने की पूर्वी लद्दाख में इमरजेंसी लैंडिंग। सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित। यूपी उत्तराखंड हरियाणा ने कोरोना वायरस के चलते कांवड़ यात्रा को किया बैन। 6 जुलाई से शुरू होने वाली थी कांवड़ यात्रा। मंदिरों में COVID-19 प्रोटोकॉल को भी सख्ती से लागू करने का लिया गया फैसला। पंजाब CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गलवान घाटी में सैनिकों के मारे जाने पर जताया आक्रोश। कहा, सैनिकों को आत्मरक्षा में गोलीबारी की दी जाए इजाजत। प्लाज्मा थेरेपी के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की स्वास्थ्य स्थिति में हुआ सुधार। डॉक्टर बोले, कल तक जनरल वार्ड में शिफ्ट किए जा सकते हैं सत्येंद्र जैन। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए भारत की पहली जेनरिक दवा COVI-4 को मिली मंजूरी। एक हफ्ते से मुंबई नहीं, दिल्ली बना सबसे ज्यादा कोरोना की मार सहने वाला शहर। 56,700 से ज्यादा लोग हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,630 नए मामले। अब तक दिल्ली में 2,112 लोगों की हो चुकी है मौत। LOC पर तनाव की स्थिति बरकरार। पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी ने भारत को दी गिदड़ भभकी। भारत की UNSC में अस्थायी सदस्यता से परेशान है पाक। दिल्ली में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का कहर। बढ़ते मामले के चलते प्रताप नगर की 11 गलियां सील। उत्तराखंड में भी कोरोना के 23 नए मामले आए सामने। अब तक 2,324 लोग हो चुके हैं संक्रमित। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।